गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सौरभ डॉग कैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ वर्मा, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। ये है सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। मुझे पता है बहुत दिनों बाद, काफ़ी महीनों के बाद वीडियोस आ रही है। आप लोग भी पूछ रहे थे क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ। तो कोलकाता में एक पेट फेस्टिवल चल रहा था, जिसके कारण मैं आउट ऑफ सिटी था, तो वीडियोस बन नहीं पाए। तो उस पेट फेस्टिवल का मैं हिस्सा था, वहाँ पे एज अ जज इनवाइट किया गया था। तो बहुत अच्छा समय रहा, पूरे कोलकाता से, पूरे वेस्ट बंगाल से बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच आप सबका, कोलकाता वासियों का, इतने प्यार से आपने वेलकम किया। बहुत सारी चीज़ें आपने हमें सिखाई, तो बाकी मैं पूरे देश के साथ और पूरी दुनिया के साथ इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ। तो एक ख़ास बात जो मैंने कोलकाता में देखा वो ये था कि जो कोई भी व्यक्ति वहाँ पेट्स को पालते हैं, वो अपने पेट्स को एक फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं। हम लोग भी रखते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, दे गिव टाइम टू देयर पेट्स, वो अपने पेट्स को समय देते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करूँगा। हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके फादर बनारस से बाहर जॉब करते हैं, वो सैटरडे संडे आते हैं। तो जब भी आते हैं, सैटरडे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब अंकल आंटी बिस्तर पर लेटते हैं, तो मेरा फ्रेंड हमेशा हमें बताता है, जब भी वो रूम में ऐसे घुस जाता है तो आंटी इस करवट अपना मोबाइल लेके फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे लगी रहती है, और अंकल उस तरफ करवट करके फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया है सोशलाइज्ड होने के लिए, ना कि अपनी सोशल लाइफ को ख़त्म करने के लिए। हस्बैंड वाइफ ऐसे सोने चाहिए, एक साथ सोने चाहिए, और वह ऐसे सो रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं चलता ये सारी चीज़ें उनको कैसे दूर कर दे रही हैं। तो एक छोटा सा मैसेज है, ना ही पेट्स के लिए बल्कि आप सबके लिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। योर फैमिली मेम्बर्स आर वेरी प्रीशियस, वेरी यूनिक, और ऊपर वाले ने उनको आपकी ज़िंदगी में दिया ही इसलिए है ताकि आप उनके साथ समय व्यतीत करें। उसी तरीके से आप अपने पेट्स के साथ समय व्यतीत करें। टाइम स्पेंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। तो अगर आपकी फैमिली में आपका भाई है, बहन है, मदर है, फादर है, या आपने कोई पेट रखा हुआ है, उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो कि बड़ा ज़रूरी है। मैं लगभग 14-15 दिन बाद जब घर आया, तो मेरे पेट्स हैं, मेरे जर्मन शेफर्ड हैं, मेरे पर्सनल पेट्स हैं, रॉयल रोजी, मदर और डॉटर हैं, माँ बेटी हैं दोनों। तो वो बहुत, उन दोनों ने हमें प्यार किया, बहुत प्यार किया, मेरे ऊपर चढ़ के, मुझे यहाँ चाट के, मुझसे हाथ मिला के। उसके बाद जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तो देवर लुक लाइक दिस कि पापा कहाँ जा रहे हो, इतने दिन बाद तो आए हो, थोड़ा पल, दो पल रुको ना मेरे साथ। मैं हमेशा की तरह 5 मिनट उनसे मिला और ऊपर चल गया। उनकी आँखों ने मुझे ये रियलाइज़ कराया, दे नीड टाइम टू, उन्हें भी टाइम चाहिए, उन्हें हक है मेरे समय। मैंने उल्टे पाँव वापस सीढ़ियों से मैं नीचे आया, मैं बैठ गया पार्किंग एरिया में, मैंने उनके साथ पूरे 1 घंटे समय बिताया, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे बातें की, पापा आप कहाँ चले गए थे, हमने पूरे दिन आपको मिस किया, हमारा खाने में मन नहीं लग रहा था, कोई हमें सहलाता नहीं था, कोई हमें छूता नहीं था, कोई हमें प्यार नहीं करता था, वी मिस्ड यू सो मच। यस, मेरे पेट्स मुझसे बातें करते हैं, और आपके पेट्स आपसे बातें करना चाहते हैं। उनकी आंखों में देखिए, उनकी जीभ का घूमना, उनकी मुस्कुराहट और उनके गुस्से का संदेश आपको देगा, उनके मुंह का बंद करना और खोलना, उनकी चाहत, पसंद और नापसंद आपको बताए, कौन कहता है ये बेजुबान, इनके पास भी जबान है, बट उस जबान को समझने वाला चाहिए। तो भरपूर समय दें अपने पेट्स को, भरपूर समय दें अपने परिवार को, और कभी भी ऐसा ना करें घर से निकलते वक्त अपने पेट्स को, अपने जानवरों को दुत्कार के जाए, लात मार के जाए, उनके बर्तन को पैर से सरका के जाए,
उनके पीने के पानी को पैर से ठुकरा के जाए, तभी ऐसा ना करिए। आपके घर में आपका जानवर आपके यश, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक, उसकी इतनी इज्जत करिए, इतनी इज्जत कीजिए जितनी आपके छोटे भाई बहन की, आपके बच्चे की, आपके दादा दादी की होनी चाहिए। लोग कहते हैं अरे कुत्ता ही तो है, तो आई एम वेरी सॉरी जो लोग ये समझते हैं कुत्ता ही तो है, आप पालिए ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कुत्ते नहीं हैं। आपको पता भी नहीं चलता आपके घर में होने वाले कितने ही कलेश वो जानवर अपने सिर ले लेते, कितनी बीमारी वो अपने सिर पे ले लेते, कितने संकट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये एक बड़ा ही प्रमाणित वास्तु के हिसाब से और साइंटिफिकली प्रूव्ड तथ्य है। शायद मैं 99% सही हूँ। तो आप बड़ी इज्जत करिए अपने जानवरों की, चाहे आपने तोता पाला है, मछली पाली है, बिल्ली पाली है, खरगोश पाला है, इज्जत करिए, प्यार करिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा ही है। मेरे एक फ्रेंड हैं अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु जी के पास हमने ही दिया हुआ है डॉबरमैन। सो हिज डॉबरमैन इज़ वेरी अग्रेसिव, बहुत गुस्सैल है, बड़ा अग्रेसिव है। सो आई वेंट एट अभिमन्यूज हाउस, सो जस्ट बिकॉज ऑफ उनका डॉबरमैन बहुत अग्रेसिव है, तो उन्होंने उसको बांधना चाहा और वो बंधवा नहीं रहा था और हम लोगों को कहीं बाहर जाना था। तो वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरे, उन्होंने उसे दे चप्पल मारना स्टार्ट कर दिया, 8-10 चप्पल मारे उसको। आई वॉज शॉक्ड कि यार वाई ही इज एक्ट लाइक दिस। आई मीन इतना प्यार करते हैं, इतने सारे सामान मेरे यहाँ से लेकर के जाते हैं, डॉग फूड, विटामिन्स, गेनर्स, तो मुझे पता है कि ये बहुत कंसर्न है, बट ये मार क्यों रहे हैं? कि सौरभ भैया अगर इसको मारेंगे नहीं तो ये आपको काट लेगा, क्या आप दरवाज़ा भी तो बंद करके आ सकते हैं, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। तो नहीं, ये भौंकता रहेगा बहुत देर तक अगर हम इसको मारेंगे नहीं तो। हमने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है ये नहीं भौंकेगा। क्या सौरभ भैया ये भौंकेगा? ये जब तक 50 जूता नहीं खाता ये ऐसे ही लथखोर है। तो हमें लगा शायद सही कह रहे हो, हर पेट अलग होता है। तो हमने कहा अभिमन्यु भैया एक बार मेरे तरीके से करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना है? क्या कुछ नहीं, उसको खोल दीजिए, मैं हट जा रहा हूँ ऐसे। क्या फिर वो भौंकेगा बहुत तेज़, मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, कॉलोनी वाले ऑब्जेक्शन करते हैं। तो हमने कहा अभी बार करके देखिए। उन्होंने ओपन किया, वो आए, हम लोग 4 कदम ही चले थे, वो भौंका। हिज नेम इज़ बूजो, बूजो वॉज बार्किंग, बहुत लाउडली बाक कर रहा था, बहुत तेज शोर कर रहा था। हमने कहा अभी मन्नी भैया एक बार जाइए, गेट में से हाथ डालिए, उसके माथे को सहलाइए और उससे कहिए बूजो शोर नहीं करो, हम बहुत जल्दी से आ रहे हैं। कि क्या सौरभ भैया आप भी मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह? हमने कहा अभी मन्नी भैया करके देखिए ना एक बार, शायद काम हो जाए। और हमें भी नहीं पता था कि शायद ऐसा कुछ करने से कुछ होता है, दिल में आया बोल दिया। सो अभिमन्यु वेंट, अपने हाथ को डाला और प्यार से उन्होंने सहलाया, बूजो क्या हुआ बूजो? तो बूजो जो भौं भौं आवाज कर रहा था उसकी आवाज हो गई थी अभिमन्यु सर को 3 साल के बाद, बचपन के बाद बूजो की ऐसी आवाज सुनाई। अभिमन्यु बहुत शौक की, बूजो क्या कर रहे हो, तुम ऐसी आवाज क्यों निकाल रहे हो? बूजो वाज शोविंग हिज लव टुवर्ड्स हिज मास्टर, उनकी आंखों में पानी था। उन्होंने कहा बूजो आई कम वेरी सून, मैं शाम को जल्दी आता हूँ, तुम्हारे लिए आज चिकन लेके आऊँ। बूजो वाज भाव भाव और फिर उनकी आंख भर गई। और फिर अभिमन्यु भाई मेरे साथ 4 कदम 40 कदम और हम लोग पूरी कॉलोनी के बाहर आ गए, बूजो की आवाज़ नहीं है। और तब का दिन है और आज का दिन है, इस इंसिडेंट को लगभग 2 महीने हो गए। तो सी तरीके तरीके से पेट्स हमें सिखाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम तरीके तरीके से और चीज़ें सीखें। तो सेम चीज़ आपकी फैमिली में भी लागू होती है,
आप लेट हो रहे हैं, आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, आप शॉप के लिए निकल रहे हैं, आप काम से निकल रहे हैं, बटन बंद करते करते नीचे आ रहे हैं, आपकी मम्मी ने आवाज़ लगाया कि बेटा शाम को जल्दी आ जाना, मिश्रा जी आ रहे हैं चाय पे। अरे निकलने तो दीजिए, बस चिल्लाने लगती है, जाएंगे तब ना आएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे बूजों को 10 चप्पल मारा जाता है। आप जबान से मार, फायदा क्या? हाँ माँ जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपके टाइम से पहले आ जाएंगे, भले आपको लेट हो जाए। क्या बिगड़ गया या क्या मिल गया? हमारे शब्द बहुत मायने रखते हैं हमारे जीवन की तरक्की के लिए, तो अपने जबान से निकाले हुए शब्दों का बड़ा सदुपयोग करिए और बड़े कायदे से और बड़े तरीके से अपने शब्दों को उपयोग करिए। तो ये थी मेरी कुछ पर्सनल व्यूज़। हमारा नया चैनल आ रहा है जो कि मोटिवेशनल चैनल है और डेली रूटीन से भी रिलेटेड चैनल है। अगर आप लोग को मुझे सुनना पसंद है, आप लोग को मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं, हमारे नए चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत जल्दी मैं अपने नए चैनल का अनाउंसमेंट करूँगा। ये चैनल पेट्स का होगा।